स्पीकर सर, मैं कंक्लूजन में अभी कल हमारे होम मिनिस्टर ने कहा था क्विट इंडिया, अगर इनको मालूम हो जाए कि क्विट इंडिया का नारा एक मुसलमान ने दिया था तो वो भी नहीं बोलेंगे, वो नहीं मालूम था उनको उसका। मैं कंक्लूड करो, उसका नाम यूसुफ मेहर अली था सर। यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया का नारा बनाया, जिसको महात्मा गांधी ने सारे देश में एक पैगाम दिया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, इस देश में अगर आज क्विट इंडिया करना है तो कहना पड़ेगा चाइना क्विट इंडिया। जो गौ रक्षक है जिसका नाम मोनू है, वो आपके लिए मोनू डार्लिंग बन गया है, उसको कहिए क्विट इंडिया। सर, जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं, आप हिंदू अक्षरित लोगों में हथियार बांट रहे हैं, ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। नाउ प्लीज सर, आई एम कंक्लूडिंग। इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हुकूमत से कह रहे हैं कि आप जो सियासत कर रहे हैं इससे नुकसान देश को होगा। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्व गोलवाल करके आइडियोलॉजी बढ़ी है। मैं इस तहरीक अदम एतमाद की ताईद में खड़ा हूं और हुकूमत की मुखालिफत में। सर आधा मिनट सर, सर दो लोग, दो महाजे इस मुल्क में, एक चौकीदार है एक दुकानदार, एक चौकीदार एक दुकानदार है। जब जुल्म हम पे होता कोई मुंह नहीं खोलते। यूएपीए का कानून अमित शाह ने लाया, इन दुकानदारों ने ताईद की। आज उस यूएपीए का कानून में 83 साल का बुड्ढा सिपर खत्म करो, सिपर नहीं होने के से मर गया। आखिर कब तक दुकानदार और चौकीदार हमारी लाशों पर सियासत? सर हम कंक्लूडिंग, कब तक सियासत करेंगे? अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आपकी दुकानदारी नहीं चलेगी, चौकीदार को बचेंगे, तीसरा महाराज करेगा। शुक्रिया सर।